बैक टू अनदर ब्लॉग एंड गाइस, जैसा कि आपको पता है आप फूड ब्लॉग बनाते रहते हैं, तो आज फिर आपके लिए एक नया फूड ब्लॉग लेके आए हैं। इरफान फूड स्टेशन ये नाम है, ये है यूपीएल पे मेन यूपीएल पे बना सकते हैं। तो हमने काफ़ी नाम सुना था इसका और काफ़ी पसंद भी आया हमें इस चीज़ वगैरह, तो हमने कहा चलो हम भी खाते हैं और आपको भी बताते हैं अपने फ्रेंड्स को कि क्या कैसी चीज़ है। तो चलें उसके बाद मतलब बाजार के या पेड़ है हमारी और चार से लेते हैं और रात 11 बजे तक। तो ये ख्याल कैसे आया आपको ये लगाने का? बहुत ज़्यादा है जॉब के अंदर एक दूसरे सेफ्टी के लिए, जिससे इंसान अपनी पूरा नहीं कर सकता, तो इसलिए फिर आपको ये ज़्यादा है ये लगा। और बाकी हमने काफ़ी तारीफ सुनी थी आपकी चीज़ों की, तो कल हम लेके भी गए थे, तो आज आपने लेबर्स को भी बताएं। और बाकी तो सबसे ज़्यादा माशाल्लाह इस वक्त जो सेल होने वाला आइटम है वो इस वक्त जो चिकन चीज़ ये सबको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगी। और इसके बाद ये जो मैंने कल लॉन्च किया है हर एक ये दूसरी जगहों की प्रॉफिट के हिसाब से मैं इसको बहुत रिजनेबल प्राइस में सेल आउट कर रहा हूँ और बहुत अच्छा यानी कि इसका रिस्पॉन्स मुझे कल ही मिल गया था, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर आज फिर मैंने प्राइस को इम्प्रूव नहीं किया है, मगर किसी प्राइस में सबके प्राइस बता दें कि क्या क्या है। मेरे पास ये पहली बाइट्स के प्राइस हैं 40 रुपये, ये आलू का रोल है ये 30 रुपीज़ का है, समोसा 30 रुपीज़ का है, चिकन चीज़ी कोन है ये 20 रुपीज़ की दे रहा हूँ, और ये 200 का कम्प्लीट है और हाफ नहीं है जो 100। मतलब प्राइस भी बहुत अच्छे हैं, हम जाते हैं वहाँ बहुत महंगाई है, और यहाँ तो काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल रहा है हमें, तो हम टेस्ट करते हैं और आपको भी बताते हैं कि कैसा टेस्ट है इसका। काफ़ी उसका नाम सुना था आपने, चलो हम भी खाइए बताते हैं। काफ़ी चलो बता, ये अरेबियन कॉफ है हमारे पास, इसको हम आपके सामने फ्राई करेंगे, और प्लस ये एक चीज़ी कोन है और एक समोसा है, और इसके अलावा मेरे पास पहली बाइट ये बहुत अच्छे तरीके से आपको हम दिखाएंगे कि बहुत चलो उसके ऊपर ये फ्राई किया जाता है, जब ज़्यादा इसको ऑयल हीटअप हो जाए तो उसे अप डाउन करते रहते हैं हम। और इसके अलावा इसके अंदर जो उसके अभी भी पूरी स्कीम हम इतना ही देते हैं जिस आइटम को जितनी ज़रूरत है, अगर ज़्यादा हीटअप वाले ऑयल में डाल देंगे तो वो फ्राई के बजाय वो पूरा चल जाएगा। नाम क्या है? अम्मे हानी। अम्मे हानी है पता ही है, लेकिन प्लेट सजा दी तो देखने में बड़े मज़े का लग रहा है कि मेन नाम चिक है, तो अभी यह क्या प्लेट करवाते हैं बता दें। Times like this, you just take it slow. Fall asleep in the pillows. हमारी प्लेट आ चुकी है, देखने में इतने मज़े का लग रहा है और क्रिस्पी ऐसा है, अभी हम खाते हैं इसको, क्योंकि इसके साथ केचप वगैरह भी है साथ, तो हम हमने कहा चलो हम खाते हैं, कभी टेस्ट करके बताते हैं आपको।
सबसे पहले हम खाएंगे चीज़ कॉर्न, इसकी खाते हैं। बहुत मजे की इसकी चीज़ कॉर्न, अभी रेसिपी इतनी है कि बता नहीं सकता आपको, आपको आवाज़ तो आ रही होगी, मज़े की बहुत है। अब हम आपको मिर्च टेस्ट करके बताते हैं कड़ा बाइट कहती है। बहुत कर लेते हैं आप, देखिए देख सकते हैं, ये इसमें तो लाजवाब है। अब इनका हम समोसा भी चेक करके आपको बता देते हैं। समोसा भी बहुत लाजवाब है, 30 रुपये में इतना अच्छा समोसा मुझे याद नहीं है कि मैंने खाया। ये नहीं कल इंट्रोड्यूस करा, ये भी खा के देखते हैं। पहले कल मैंने खाया, ये नहीं खाया था, अब ये भी खा के आपको बताते हैं। ब्लू कलर का बहुत बढ़िया रेसिपी, इतना है कि मुँह में रख के ऐसी आवाज़ें आ रही ना, आपको जैसे माइक में आ रही हो या नहीं आ रही हो, क्योंकि शोर बहुत है, मगर बहुत मजेगा। आप लोग आए, इनका एड्रेस वगैरह मैं अभी आपको बताता हूँ, तो आप ये पहले खा लेते, मुझे रात जा दिएगा, बहुत मजेगा है, तो मैंने खाते भी खा लिया, बहुत मजेगा था बाहर अंकल, बहुत मज़ा आया खा के। और आप इसकी लोकेशन बता दीजिएगा, जब राइट हैंड पर टर्न होते हैं यूपी मोड़ की तरफ जाने के लिए, तो लेफ्ट साइड पर डेरी है, उसके जस्ट अपोजिट मैं हूँ, यूपीआई की ब्रांच है हमारे बैक साइड पर, बस इसी जगह पे हम मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है, सब पहचान है, और आपके सामने जैसे जो अभी हम ऑर्डर भी फाइनल करते हैं। जी मैंने भी खाया, मुझे बहुत मज़ा आया। सेक्टर 11H में इस वक्त, सेक्टर 11H यूपीआई बैंक के करीब और रेहान सेंटर के नीचे। हम तो शुक्रिया, चेक करता रहेगा। ओके।